यूके की दिवंगत महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को आप सभी जानते हैं, और यह भी पता होगा कि वो दुनिया की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली मोनार्क थी। उनके फ्यूनरल में 500 से भी ज्यादा लोग शामिल हुए, जिसमें दुनिया के सभी हेड ऑफ स्टेट शामिल थे। लेकिन 6 ऐसे देश हैं जिनके हेड ऑफ स्टेट्स को आमंत्रित नहीं किया गया: सीरिया, वेनेजुएला, अफगानिस्तान, रशिया, बेलारूस और म्यांमार। व्हाई वर दे नॉट इनवाइटेड? ये इसीलिए क्योंकि इन देशों का डिप्लोमेटिक संबंध यूके के साथ अच्छा नहीं है। तो सीरिया, वेनेजुएला के कोई डिप्लोमेटिक संबंध नहीं है, और बाकी के 4 देश, उनमें क्या प्रॉब्लम है? अफगानिस्तान, यहां पर पिछले साल तालिबान ने कब्जा जमा लिया। म्यांमार, मिलिट्री कू हो गया। इसके अलावा रशिया के साथ इनके संबंध अच्छे थे, लेकिन यूक्रेन रशिया वॉर के बाद से स्थिति खराब है। बेलारूस ने इस वॉर में रशिया का साथ दिया तो उसे भी नहीं बुलाया गया। इसके अलावा 3 ऐसे देश थे जिनके एम्बेसडर्स को बुलाया गया, उनके राष्ट्राध्यक्ष नहीं बल्कि एम्बेसडर। और आपको मुझे कमेंट में यह बताना है कि वो एम्बेसडोरियल रिप्रेजेंटेटिव्स किन देशों के थे।